हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर पर ट्रंप के बयान पर भारत का जवाब, कहा यहाँ पर तीसरे पक्ष को लेकर कोई जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को भारत ने ठुकरा दिया है। भारतीय विदेश विभाग ने स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच के इतर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर मदद की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है, यहां पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जगह नहीं है। दोस्तों कश्मीर पर पाकिस्तान की बयानबाजी पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाक की टिप्पणियों में कोई नई बात नहीं है, वे ऐसा काफी महीनों से बोल रहे हैं। उनके बयान विरोधाभासी हैं और तथ्यों से परे हैं, उनके दोहरे मापदंड हैं और हताशा को दर्शाते हैं। दोस्तों पाकिस्तान एक तरफ तो पीड़ित कार्ड खेलता है और दूसरी तरफ आतंकवादियों को पनाह भी देता है और समय समय पर परमाणु बम जैसे हथियारों की धमकी भी देता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इमरान खान को आई अक्कल, कहा भारत से रिश्ते बेहतर हों तो सुधरेंगे पाकिस्तान के हालात। जी हाँ दोस्तों, कंगाली की हालात में पहुंच चुके पाकिस्तान को अब समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसे किस कदर भारी पड़ रहा है। दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के मंच से भारत को मनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ जब उनके संबंध सामान्य हो जाएंगे तब दुनिया को पाकिस्तान की आर्थिक संभावनाओं के बारे में जानकारी होगी। हालांकि दोस्तों उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से यह रिश्ता बेहतर नहीं है। विश्व आर्थिक मंच 2020 में दुनिया के सामने अपनी बात रखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मकसद पाकिस्तान को एक कल्याणकारी देश बनाना है। उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता के बिना आर्थिक वृद्धि की बात करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए किसी भी देश के साथ भागीदारी को तैयार है। इमरान खान ने अमेरिका के साथ संबंध को ऐसी ही भागीदारी का हिस्सा बताया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली चुनाव में CAA नहीं बल्कि बिजली पानी शिक्षा और सेहत की हो बात। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच दोस्तों न्यूज 18 इंडिया से टीवी कार्यक्रम अधिवेशन में दिल्ली के डिप्टी CM मनोज सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हमारा मॉड्यूल वही बिजली पानी शिक्षा और स्वास्थ्य ही होगा। हम जनता के साथ हुए काम करना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के खिलाफ शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं, अपनी बात रखने का सबसे सबको अधिकार है। उन्होंने कहा कि भले ही मेरे पास शाहीन बाग का रास्ता निकालने का रास्ता न हो, लेकिन स्कूल का रास्ता कैसे खुलेगा इसका रास्ता मेरे पास है। दोस्तों मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इस चुनाव में स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। हमने जनता से जो किए सारे पूरे किए हैं। हमने 450 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अभी 1000 और बनेंगे। हमने दिल्ली में अनियमित कॉलोनियों में इतना विकास किया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बजट 2020, अगर आपकी सालाना आय 20 लाख से कम है तो आपके लिए भी है खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बजट में इस साल नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों से मिल रही जानकारियों के मुताबिक सरकार 20 लाख तक सालाना वेतन पाने वाले लोगों को इनकम टैक्स में अच्छी खासी राहत देने की तैयारी में है। दोस्तों 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से आम आदमियों के लिए तोहफा निकाल सकती है। दोस्तों बजट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार टैक्स स्लैब को बदलने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार 7 लाख तक सालाना वेतन पाने वालों को 5% टैक्स के दायरे में ला सकती है। 7 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 10% आयकर के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा पहली बार 20 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को 20% टैक्स स्लैब में लाने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स देना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। टाटा बनी देश में सबसे सुरक्षित कार बनाने वाली कंपनी, क्रेश टेस्ट में 4 गाड़ियां रही अव्वल। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने बुधवार को एक साथ 4 गाड़ियां लॉन्च की और इसी के साथ अब वो देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित कार बनाने वाली कंपनी भी बन गई
है। दोस्तों टाटा की लॉन्च हुई इन नई गाड़ियों में प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज, एंट्री लेवल हैचबैक टियागो फेसलिफ्ट, कॉम्पैक्ट सिडान टिगोर फेसलिफ्ट और कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन फेसलिफ्ट शामिल है। दोस्तों ये सभी गाड़ियां फीचर्स और लुक के मामले में तो बेहतरीन है ही, साथ ही ये सेफ्टी के मामले में भी देश में बनने वाली दूसरी गाड़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों व्हीकल सेफ्टी ग्रुप ग्लोबल NCAP ने नई टियागो और टिगोर को भी सेफेस्ट कार ऑफ द इंडिया बता दिया है। दोस्तों क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग इन दोनों गाड़ियों को दी गई है। दोनों ही गाड़ियों को एडल्ट पैसेंजर्स की प्रोटेक्शन के मामले में 4 और कार में बैठे बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर 3-स्टार रेटिंग मिली है। वहीं इससे पहले इसी क्रैश टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज और नेक्सॉन को सबसे ज्यादा 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी है। दोस्तों इस लिहाज से अब टाटा की 4 गाड़ियां ऐसी है जो कि सेफ्टी के मामले में दूसरी कंपनियों की गाड़ियों से कहीं आगे है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा एक ऐसी कंपनी है जो कि पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। वेदर अपडेट टुडे, उत्तर भारत के लिए इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया हाई अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। हालांकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो गया है, लेकिन पछुआ हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा में आगे जा रहा है, जिससे अब उत्तर भारत में मौसम साफ होने लगेगा, लेकिन दोस्तों फिर भी मैदानी क्षेत्रों में पछुआ हवाएं चलेंगी, जिनसे गलन बढ़ेगी और कोहरा भी रहेगा। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक आमतौर पर हल्की बारिश बूंदाबांदी के साथ आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। साथ ही इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने चेतावनी भी दी है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण दिल्ली आने वाली ठंडी हवाएं यहां के तापमान में गिरावट ला सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर भारत में सर्दी का असर थोड़ा कम रहेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज हुई कटौती, जानिए आज के भाव। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर कटौती हुई है। दोस्तों देश में तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। पेट्रोल का भाव 16 से 18 पैसे प्रति लीटर तक कम हुआ है दोस्तों, जबकि डीजल का भाव 19 से 20 पैसे प्रति लीटर तक कम हुआ है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74.65 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 68.05 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एक दिन की राहत के बाद फिर महंगा हुआ सोना, जानिए आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, भारतीय रुपए में आई कमजोरी की वजह से घरेलू बाजार में सोना खरीदना महंगा हो गया है। दोस्तों गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 63 रुपए बढ़ गया। हालांकि दोस्तों औद्योगिक मांग कम होने के चलते चांदी की कीमतों में 93 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर मांग बढ़ने और रुपए में कमजोरी की वजह से सोने की कीमतों में तेजी आई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 40,723 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत भी 47,177 रुपए से घटकर 47,082 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला T20 मैच। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत करने वाली है। दोस्तों आज ऑकलैंड में पहला T20 मैच खेला जाएगा, जो कि दोपहर 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इस मैच को आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क्स पर लाइव देख सकते हैं, इसके अलावा हॉटस्टार के माध्यम से भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। साथ ही दोस्तों इस मैच के स्कोर अपडेट और लाइव हाइलाइट्स वगैरह आप YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स। जी हां दोस्तों, पिछले कई समय से सैमसंग के गैलेक्सी S10 के सस्ते वर्जन का इंतजार था, अब लोगों का ये इंतजार दोस्तों खत्म हो गया है, क्योंकि सैमसंग ने आज अपना गैलेक्सी S10 लाइट लॉन्च कर दिया है। दोस्तों यह फोन अफोर्डेबल स्मार्टफोन कैटेगरी में आता है, इसकी बिक्री दोस्तों 4 फरवरी से शुरू हो जाएगी। हालांकि दोस्तों इसकी ऑनलाइन प्री बुकिंग विभिन्न शॉपिंग वेबसाइट्स पर उपलब्ध अभी से ही हो गई है। दोस्तों बात करें इस
फोन की कीमत की तो दोस्तों कंपनी का नया फोन 39,999 रुपए में आ जाएगा। प्री बुकिंग आप 5,000 रुपए से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एप्पल लॉन्च करेगा बेहद सस्ता आईफोन, कीमत जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, सस्ता आईफोन मतलब सिर्फ एक ख्वाब, लेकिन दोस्तों यह ख्वाब अब हकीकत होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एप्पल कंपनी बेहद ही सस्ता आईफोन लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों नए फोन का उत्पादन फरवरी से शुरू होने की बात कही जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक आम आदमी का सपना होता है आईफोन रखना, लेकिन इसकी कीमतें इतनी होती है कि एक आम आदमी नॉर्मल जॉब करने वाला इसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि दोस्तों जो भी नया फोन लॉन्च होता है उसकी कीमतें लाखों में होती है। ऐसे में दोस्तों कंपनी आम आदमी तक अपनी पहचान या अपनी पहचान और पहुंच बढ़ाने के लिए सस्ता आईफोन लॉन्च करने वाली है, जिसकी प्रोसेसिंग फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, लेकिन दोस्तों जाने आज का माइंड क्विज क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और विनती है। दोस्तों अगर आप भी घूमने फिरने में रुचि रखते हैं या फिर नई नई चीजें देखने में आपका इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर दिख रहे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर रिसेंटली मैं अभी पुष्कर व्लॉग डाला है, यहां पर पुष्कर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप देख पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा वीडियो देखकर ही कि आप पुष्कर घूम लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप जा नहीं पाते हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको देश दुनिया विदेश की सारी लोकेशंस की और जो भी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल चीजें हैं उन सब की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और पुष्कर व्लॉग को देखकर बताइएगा कि यह व्लॉग आपको कैसा लगा। तो दोस्तों जान लेते हैं अब आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। दोस्तों इस आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत पाएंगे एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।